हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो चलिए हम लोग ये नंबर का सॉल्व करते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से रिगार्डिंग है और एफिशिएंसी से रिगार्डिंग है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप से पढ़ते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। पहला दिया हुआ ए इज थ्री टाइम्स एज एफिशियंट एज बी, मतलब ए की काम करने की क्षमता बी के कंपेरिजन में थ्री टाइम्स ज़्यादा है, मतलब तिगुनी क्षमता है ए की। तो जो ए को काम करने में जो दिन लगेंगे वो क्या, वो कम होंगे और बी को क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि ए क्या है फास्ट है और बी स्लो है। तो हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को एच डेज में कंप्लीट कर लेता है, ए किसी काम को एच डेज में कंप्लीट करता है और बी, अब बी क्या है स्लो है, वो क्या थ्री टाइम्स स्लो है, तो क्या होगा थ्री एच डेज लगेंगे इसको बी को काम करने में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं एंड फिनिश द टास्क 32 डेज अहेड ऑफ बी, मतलब जो ए है वो 32 दिन पहले बी के कंपेरिजन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बी को काम करने में 3x डेज लगते हैं और ए को काम करने में एस डेज लगते हैं और दोनों के टाइम का जो कंपैरिजन है वो क्या है 32 डेज है, तो हम दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3x हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डेज हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 32 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ए किसी काम को 16 डेज में कर लेता है और बी उसी काम को 48 मतलब 48 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, ओके। अब हम अगले पढ़ते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहले हमारा ट्रिक ये होता है नंबर पहला कि सबसे पहले निकालना होता टोटल यूनिट, हमको निकालना होता टोटल यूनिट्स वर्क कितना है, दूसरा निकालना होता आपको यूनिट पर डे, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है जो कि हमारा ट्रिक की तरफ यूज करेगा। तो हमें निकालना है टोटल यूनिट, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल यूनिट कितना है। टोटल यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल यूनिट निकालते हैं दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम ऑफ 16 कर लेंगे और 48 कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। तो 48 यूनिट्स हमको टोटल वर्क कितना है 48 यूनिट्स हो गया। तो हमारा पहला काम कम्प्लीट हो गया यूनिट निकालना, अब निकालना यूनिट पर डे। तो यूनिट पर डे निकालेंगे यहाँ से, तो यूनिट पर डे के लिए हम क्या करेंगे टोटल यूनिट, टोटल यूनिट हमारा कितना दिया हुआ है 48 यूनिट दिया हुआ अपॉन यूनिट पर डे, अपॉन में क्या होगा डेज, तो डेज में कितना होगा 16 दिया हुआ है, तो 16 कर देंगे तो 16 48, तो 3 यूनिट पर डे, मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेगा, ओके। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग फिर बी का निकालेंगे, तो यहाँ पर 48 डेज अपॉन 48 यूनिट अपॉन 48 डेज, तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 1 यूनिट पर डे। अब वो कह रहा है कि दोनों अगर मिल के काम करें, दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों का यूनिट पर डे हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 यूनिट पर डे, मतलब दोनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, अब आपको निकालना नंबर ऑफ डेज कि दोनों मिल के कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल यूनिट कि टोटल यूनिट कितना है अपॉन दोनों के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया गया है, तो यूनिट पर डे, तो टोटल यूनिट हमारा दिया हुआ है 48 अपॉन ये दिया हुआ दोनों के द्वारा एक दिन में 4 यूनिट वर्क किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4, तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 डेज हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस ट्रिक का यूज करके टाइम और वर्क से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और नया नया ट्रिक्स मिलेगा जिससे कि आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।